हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरे कुछ न्यू लेंस के कलेक्शन को, विच आर अगेन फ्रॉम ओलेंस इंडिया। मुझे ओलेंस इंडिया के कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत पसंद आते हैं। मेरे चैनल पे दो आपको वीडियो मिल जाएगा, और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, और ना ही वो वीडियोज स्पॉन्सर्ड हैं जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाले हैं। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ दिस कलर माइट लुक ऑन माई फेस, और इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग इट, maybe this video is going to be helpful for you because I will be giving you my in-depth honest review on it. So let's begin. तो यहाँ पर मेरे पास तीन contact lenses है। This one is from Russian Velvet range, और ये दोनों trial range में से है। ये newly added range है। यहाँ पर आप कोई भी lens ले लो कोई भी range में से जो आपको trial version में affordable price में मिलेगा, kind of one day wear I would say। और अगर आप comfortable हो, you like the color, you like the quality, तब आप original range में से भी buy कर सकते हो। तो trial range में आपको 16 shades मिल जाते हैं from different range। जो usual range है Olens की, अगर आप उसकी website पे देखोगे, जैसे Zenith, Symphony, Russian Velvet, ऐसी जो ranges होती है उसका अगर आप price देखोगे तो around 1200, 1500, 2000 के lens होते हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट टू जस्ट ट्राई वंस, मे बी लाइक फॉर वन डे, तो ये आपको वन डे डिस्पोजेबल ट्रायल कॉन्टैक्ट लेंस मिलेंगे जिसका प्राइस 259 रुपीज़ है, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। सो अगर आपको अच्छा लगेगा देन यू कैन बाय फ्रॉम द ओरिजिनल रेंज, जिसकी ड्यूरेबिलिटी अगेन विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रेंज। डेली ट्रायल का सेक्शन आपको वेबसाइट में अलग से मिल जाएगा, जहाँ पे आप 16 शेड्स में से कोई भी शेड चूज कर सकते हो फ्रॉम डिफरेंट रेंज। बस इसमें आपको पावर नहीं मिलेगा, जीरो पावर के सारे कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं इसमें, और इसमें कोई बॉक्स पैकेजिंग वगैरह नहीं आती जैसे कि रशियन वेलवेट ग्रे में आती है और दूसरे रेंजेस में आती है। इसमें आपको डायरेक्टली इसी तरह की पैकेजिंग मिलेगी। एंड दिस वन इज़ रशियन वेलवेट ग्रे। इसमें टोटल 4 शेड्स अवेलेबल हैं, रशियन वेलवेट ब्राउन, ग्रीन, ब्लू एंड ऑफकोर्स दिस वन। मेरे पास ब्लू एंड ग्रीन है जिसपे मैंने रिव्यू बनाया हुआ है चैनल पे, यू कैन चेक आउट द कलर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सिम्फनी रेंज में से हेजल और जेनिथ रेंज में से ब्राउन, ये दो लेंस का भी आपको रिव्यू चैनल पे मिल जाएगा। ये वाली रेंज में आपको 1 month की ड्यूरेबिलिटी मिलती है और पावर में मिल जाएगा ये आपको 0 to -8। प्राइस है इसका 1290 रुपीज़, लेकिन जनरली आपको 10% तक का डिस्काउंट इस पर मिल जाएगा। बाय द वे, ये लेंस आपको ओलेंस की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे और नायका पे भी। नाउ आई विल बी वेयरिंग दीज लेंसेज वन बाय वन, स्टार्टिंग विथ रशियन सिल्वर। लेट्स फर्स्ट हैव अ क्लोजर व्यू ऑफ द प्रोडक्ट। दिस वन इज विदाउट एनी बॉर्डर। लेंस वेयर करने से पहले आपको हाथों को अच्छी तरह से क्लीन करना है, अदरवाइज आईज में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी अगर कोई भी कचरा आँख में गया तो। नाउ काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है करेक्ट साइड ऑफ द लेंस आइडेंटिफाई करने के लिए। आई डू हैव दैट इन वन ऑफ माई वीडियो। रशियन वेलवेट ग्रीन मैंने अप्लाई किया था और वहाँ पे मैंने शो किया हुआ है हाउ टू आइडेंटिफाई द करेक्ट साइड। सो दिस इज हाउ दिस कलर इज लुकिंग ऑन माई फेस। What do you guys think? Because I love this color. It's a proper grey shade which I have been looking for, and बहुत ही natural भी लग रहा है at the same time. Of course, quality बहुत अच्छी है, बिल्कुल eyes में irritate नहीं हो रहा है. Before proceeding with the other eyes, I would like to give you guys a very small tip which will be very useful. आप एक earbud को ले लो, clean earbud, और अपने ये tear duct है ना उसे clear कर लो, अच्छी तरह से clean करो. Sometimes it so happens that जो भी आपने आई शेडो लगाया है या मेकअप किया है या नहीं भी किया है, कुछ डस्ट कचरा आँख में ऑलरेडी है, तो लेंस लगाने के बाद बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, आँखें जलती भी हैं एंड आपका जो लेंस है वो टेयर भी हो सकता है। सो ऑलवेज ग्रैब अ ईयरबड और क्यूटिप, वट एवर यू कॉल इट, और यहाँ अंदर कॉर्नर पर आप रख के इसे ऐसे राउंड घुमा लीजिए। नाउ लेट्स प्रोसीड। Of course, I love this color. It's not too dramatic or ghost type of grey, if that makes sense. थोड़ा सा इसमें blue undertone है, हल्का सा greenish भी है, जिसकी वजह से ये natural looking भी लग रहा है. So, I like this. Let's proceed ahead. Next, we are trying Russian Smoky Brown, and this is how the lens looks like.
इसकी बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर की है, इट्स नॉट डार्क, सो इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू लुक नेचुरल। सो फॉर श्योर दिस इज़ नॉट अ वेरी नेचुरल सॉर्ट ऑफ कलर। अगर आपको बहुत ही नेचुरल ब्राउन चाहिए, डेफिनेटली डोंट गो विद दिस वन, इट्स लिटिल ड्रामेटिक बट इट्स वेरी यूनिक। अगर आपको कलरफुल कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना है विद सम एक्स्ट्रा ड्रामा, यू शुड ट्राई दिस। आई एम श्योर ऐसा डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा जिसमें ब्राउन भी हो, थोड़ा सा ग्रे भी हो, एकदम मटियाला ब्राउन मैं कहूँगी इसका शेड है, एंड थोड़ी सी पतली सी बॉर्डर है जिसकी वजह से डॉल टाइप इफेक्ट आ रहा है। सो आई एम पर्सनली लाइकिंग इट अ लॉट, लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। एंड द लास्ट वन इज रशियन वेलवेट ग्रे, इट्स वेरी ब्यूटिफुल बॉर्डरलेस कॉन्टैक्ट लेंस। ये शेड मुझे बहुत टाइम से ट्राई करना था, बट आई हैव सीन कुछ लोगों पर ये बहुत ही वाइटिश लगता है, कुछ लोगों पर प्रॉपर ग्रे लगता है, थोड़ा कन्फ्यूज थी, सो लेट्स सी हाउ इट विल लुक ऑन मी। नाउ दिस इज द वन, ये वो ग्रे शेड है जो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगता है, एंड व्हाट आई कैन थिंक ऑफ इज अरेबिक आई लुक विद दिस कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज। नाउ दिस इज वेरी लाइट, वाओ, बट आई लाइक इट सो मच। Now this one is a really dramatic grey color. If you want a natural version of this, you should try Russian silver. ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ये वाला बहुत dramatic है, बहुत दिख के आ रहा है, तो if at all you like dramatic color, then only you should try this. Otherwise you will not like it at all. मैं definitely इसे smoky eye पे या Arabic eye look पे try करूँगी, wear करके देखूँगी कैसा लग रहा है, and I will maybe share video with you guys also, so that you will understand how different eye look will go with this kind of dramatic shade. So that's my review. I hope आपको informative लगा है। Video को like कर लीजिए, channel को subscribe कर लीजिए, and make sure कीजिएगा कि जो दो video का link मैंने आपको description box में दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर देखें। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और आपको वो भी पसंद आएगा होपफुली। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय बाय।